अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स कुक विद अस्मा। आज मैं बना रही हूँ हलीम, या दलीम भी कहा जाता है। तो हलीम या दलीम बनाने के लिए जो मुझे इंग्रेडिएंट्स चाहिए, ये है 150 ग्राम्स जौ, 150 ग्राम्स गेहूँ, 100 ग्राम्स राइस, और ये है 100 ग्राम्स मूंग मसूर दोनों, और ये है 100 ग्राम्स चने की दाल। ये सारी दालें लेनी है मुझे हलीम के लिए। इसको आप ओवरनाइट भी सोक कर सकते हो इन सबको, या फिर आप इनको 4 घंटे या 6 घंटे, जैसे आपके लिए कन्वीनियंट हो, आप इन्हें सोक कर दें। ये अच्छी, फिर ये बहुत जल्दी आसानी से गल जाती हैं। यहाँ ये सारी गेहूं जौ और दालें जो हैं वो सब सोक कर दिए मैंने, और इसमें जो मैंने राइस डाले थे 100 ग्राम्स, वो बासमती राइस थे। अब जो इसका कोरमा बनेगा उसमें जो चीज़ें जाएंगी, सबसे पहले एक बड़ी प्याज है मैंने काट ली है, 3 जो है तेज़ पत्ते हैं, 7 से 8 छोटी इलायची हैं, 6 से 7 लौंग हैं, 2 बड़ी इलायची हैं, और 1 बड़ा दालचीनी का टुकड़ा है। ये मैं सब अपने ये जो कोरमा है, बीफ है, इसमें ऐड कर दूंगी, और 1 कप ऑयल लूँगी। 1 कप ऑयल में ये प्याज वगैरह सब चीज़ें एक साथ ऐड कर दूंगी। सबसे पहले 1 कप ऑयल ऐड करूँगी, 1 कप ऑयल जाएगा इसके अंदर। 1 कप ऑयल डाल दिया इसके अंदर हमने, तो अब मैं इसके अंदर प्याज जो थोड़ा गर्म होता है, तो फिर मैं इसमें प्याज ऐड करूँगी, थोड़ा गोल्डन ब्राउन करूँगी, और फिर उसमें गरम मसाला डालूँगी, अपना ये बीफ ये डालूँगी, और लहसुन अदरक डालूँगी, फिर बाकी क्या स्पाइसेस मैं आपको बताऊँगी। देखिए इस प्याज को भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। गोल्डन होती है तो फिर मैं इसमें गरम मसाला और बीफ ऐड करती हूँ। प्याज पिंक हो गई है, तो पिंक प्याज में मैं ये जितने भी गरम मसाले मैंने साबित मेरे पास ये ऐड कर दिए, तो ऐड कर दिए। देखें प्याज ब्राउन हो गई है, अब मैं इसके अंदर जो है अपना बीफ ऐड कर रही हूँ। ये देखें सारा बीफ मैंने ऐड कर दिया, ये थोड़ी छोटी बीफ है, तो थोड़ा भूनूंगी, फिर इसमें मैं अपने थोड़े सारे मसाले ऐड करूँगी। गोश्त को मैंने भून लिया, गोश्त का कलर चेंज हो गया, अब मैं इसमें लहसुन अदरक पेस्ट ऐड करूँगी, 2 टेबल स्पून जितना ऐड करूँगी। तो स्पाइसेस में मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून हल्दी, 2 टेबलस्पून लाल मिर्च भरकर, और धनिया पाउडर मैं ऐड करूँगी 3 टेबलस्पून, गरम मसाला मैं एंड में यूज़ करूँगी, एंड में ही ऐड करूँगी, और नमक भी एंड में ही ऐड करूँगी मैं, थोड़ा सा एंड में ये जब गोश्त गल जाएगा जब ऐड करूँगी, और जब मैं दालों को गलाऊँगी तब एंड में, अभी नहीं डालूंगी। तो चलिए सबसे पहले हल्दी ऐड कर दी,
1 टीस्पून जितने 1 टीस्पून हल्दी चली गई। देखिए लाल मिर्च आपके ऊपर है, आप जितनी पसंद करते हैं। ये 1 चम्मच, ये 2 चम्मच मैं भर के ऐड करूँगी, और अगर मुझे कम लगेगी मैं और ऐड करूँगी। ये 1 चम्मच धनिया, इसका मसाला ही इसी से बनेगा, 2 चम्मच, और ये 1 चम्मच और, 3 चम्मच भर कर। अगर कभी आपको लगेगा आपको हरी में मसाला जो है कम मज़ेदार बनता है, मेरे तो पर्सनली इतना फेवरेट है, मेरी फेवरेट डिश है। मैंने इसको लिया, अब मैं इसके अंदर पानी ऐड कर रही हूँ। इतना पानी ऐड करूँगी मैं इसके अंदर कि मेरा गोश्त जो है अभी ये गल जाए, और बाद में मैं आपके दोबारा चेक भी करूँगी। अगर मुझे रिक्वायर करेंगे तो लगेगा कि ये पानी कम है, इसमें यूज नहीं करेगा, मैं और ऐड करूँगी। 1 कप पानी हो गया, और ये इसका कप्पी क्या, अब मैं इसे थोड़ा कवर करके रख दूँगी पकने के लिए, और फिर मैं आके चेक करूँगी कितना पानी जाएगा, मैं ऐड कर दूँगी क्योंकि मुझे इसे बहुत अच्छी तरह गलाना है। देखें ये मैंने पकने का रख दिया है, इसको लो टू मीडियम रख के आप आराम से छोड़ दें, ये पक जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 घंटा लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा, ये कम्प्लीटली कुक हो जाएगा और रेशा रेशा जैसा हो जाएगा इंशाल्लाह। चलें अब हम इसको खोल कर देखते हैं कि क्या हाल है। गल गया या नहीं, और अच्छी तरह पक गया है। एक प्लास्टिक स्पून मुझे यही चाहिए था। सॉफ्ट हो गया, ये इस तरह टूट रहा है। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून गरम मसाला, अब इन्हें मिक्स कर दूंगी, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इन सारी दालों को, गेहूं और जौ को मैंने ऑलमोस्ट 6 घंटे भिगो दिया था। आप ओवरनाइट भी रख के मतलब सो करके छोड़ सकते हैं, लेकिन मैंने 6 घंटे भिगो दिया था, अब मैं इन्हें बॉईल करूँगी। थोड़ा पानी और ऐड करूँगी, अब मैं इन्हें बॉईल कर लूँगी, पका लूँगी तब तक ये गल जाएंगे। देखते चलेंगे कितनी देर में गलते हैं, वैसे ही जल्दी हो जाएंगे क्योंकि इन्हें अच्छा खासा मैंने सोक कर लिया है। तो मैं थोड़ा पानी और ऐड करती हूँ, चूल्हा मीडियम पर करती हूँ और इन्हें पकने देती हूँ। मैं अपनी दाल वगैरह जो है देखते हैं, कुकिंग ये हो गई है। हाँ ये डन हो गया है, इतने ठंडे के अंदर अंदर हो गया, देखें अच्छा भिगोएंगे जल्दी से पक जाएंगी। ये 1 घंटे के अंदर अंदर हो गया ये, अब मैं बस इसमें इसको जो है थोड़ा सा और मैच करूँगी। फिर जो मैंने मसाला बना के रखा है वो इसमें ऐड करूँगी। देखिए अगर मैं इसको थोड़ी देर और छोड़ दूँ तो ये लगना स्टार्ट हो जाएगा, ये हो गया है, सारी चीज़ें गल गई हैं। मैंने हम जल्दी से रनिंग जल्दा से इसको पूरा कर लेते हैं। मैंने बीच में आके इसको चेक किया था, इसमें पानी नहीं था, पानी कम लगा था, पानी डाल दिया था, जब ये बिल्कुल खड़ा खड़ा था सब कुछ, इस तरह से बिल्कुल मैच नहीं हुआ था, तो अब ये हो गया है।
इसको इसमें से निकाल लिया। ये पूरा घोट लिया हमने, घोटा लगा लिया है मशीन से, मशीन का घोटा लग चुका है हमारे हरीम में। तो अब मैं इसको रखती हूँ साइड पे, इसमें बीफ ऐड करती हूँ जो कोरमा मैंने बनाया है। ये सारा बीफ मैं अब इसके अंदर मिला रही हूँ, मिक्स कर रही हूँ। नमक मिर्च चेक करूँगी, फिर मैं जो इसका वो तड़का लगाऊंगी इसका। इस आपके सामने इसमें जो है इस तरह से ये मशीन भी चला रही हूँ गोश्त ऐड करने के बाद भी। एक टेबल स्पून गर्म मसाला डाल रही हूँ मैं अब इसके अंदर और नमक, आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखें। मैं एक टेबल स्पून डाल रही हूँ क्योंकि मैंने ये गेहूँ और गेहूँ और दालों में नहीं डाला था। अब मैं इसे मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसमें हरी मिर्च, हरा धनिया वगैरह अभी भी डालूँगी, बाद में भी डालूँगी, और अभी मैं जो है इसमें भगाड़ भी लगाऊँगी। चिकन क्यूब है मेरे पास, मैं इस तरह उसको पीसेस करके इसमें हरी में ऐड कर दूँगी, दही में उसे मिक्स कर लूँगी। पैन गरम करने के लिए रख दिया है और इसमें मैं कम से कम डेढ़ कप ऑयल डालूँगी। यहाँ पे मेरा पैन गरम हो गया तो यहाँ मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ। तड़के के लिए अच्छा खासा देना है मुझे क्योंकि मुझे फ्राइड अनियन से होते हैं, तली हुई प्याज बहुत मज़े की लगती है हलीम में या तलीम में। देखिए अभी चिकन क्यूब ऐड करने के बाद इसमें 5 हरी मिर्च, हरा धनिया, पुदीना थोड़ा ये ऐड कर रही हूँ मैं, फिर ऊपर से भी डिश आउट करूँगी तब भी ऐड करूँगी। थोड़ा हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च मैंने अभी ऐड कर दी है और थोड़ा जब डिश आउट करूँगी तब ऐड करूँगी। अब इसको मिक्स कर लूँगी। भगारियाँ रेडी हो चुके हैं, बस चूल्हा बंद कर लेंगे इसका। और यहाँ पे मैंने ये हदीम देखे हैं, इसमें ये किस तरह हो रहा है, ये बिल्कुल कम्प्लीटली रेडी है। और इसको मुझे छोटा वो पतीला छोटा छोटा फील हो रहा था तो मैंने बड़े पतीले में इसको ट्रांसफ़र कर दिया। चलिए अब इसमें लगाते हैं तड़का, थोड़ा सा रोक लूँगी ये सारा स्मोक हो। देखें हाफ मैंने इसमें ऐड कर दिया, हाफ से ज़्यादा कर दिया है और ये थोड़ा सा रख दिया है तो देखें हलीम बिल्कुल रेडी हो गया है। और अब मैं इसको आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। और चलिए मैं डिश आउट करती हूँ, बिल्कुल रेडी है ये, तड़का भी लग गया है, सब कुछ लगा गया इसके अंदर, ये रेडी है, डिश आउट करती हूँ। देखें हलीम बिल्कुल रेडी है, मैंने डिश आउट कर दिया हलीम, दहीम, इसको मैंने अदरक से भी गार्निश किया है, हरी मिर्च, हरा धनिया, पुदीना, नींबू, ये सब चीज़ें ऐड करके मैंने इसको डिश आउट कर दिया है, गार्निश करके इसको मैंने डिश आउट कर दिया है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा बनेगा, ज़रूर ट्राई करें मेरी रेसिपी से, इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा बनेगा आपका भी। और इसके साथ ये सैलड भी रेडी है, इसके हलीम के साथ सैलड तो बहुत ही मज़ेदार लगता है। सैलड भी रेडी है, हलीम भी रेडी है, मैं इसको सादे दही के साथ और तंदूरी नान के साथ खाती हूँ, मुझे ऐसे पसंद है। और आप इसको जैसे भी दिल चाहे इंजॉय करें और मुझे फीडबैक ज़रूर दें, बहुत अच्छा बनेगा इंशाल्लाह ताला आपका भी। और मेरी रेसिपी अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।